साथी बीच में जब आपने कहा था कि कहीं ना कहीं सिंबुल को वोट ना दो, सिंबुल को हम बाहर देखना चाहते हैं, क्या वो डिसीजन आपका जो था वो गलत था? कहीं ना कहीं आप मानना चाहेंगे क्योंकि सिंबुल में बहुत से बदलाव अभी हम देख रहे हैं। नहीं, क्या हुआ था दरअसल कि टीना और शादी में जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की थी, जिस तरह से सिंबुल टूट रही थी बहुत बुरी तरह से, और मुझसे ज़्यादा परेशान उसके फैंस थे, मैं फैंस नहीं फैमिली कहूँगा, तो सारे फैंस बहुत परेशान थे, मतलब वो बहुत तकलीफ़ में थे, वो तकलीफ़ मुझे देखी नहीं जा रही थी। मुझे लग रहा था कि सिंबुल बाहर आ जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, लेकिन फिर वही फैंस जो जिनको मैं फैमिली कहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, और वो उसके साथ खड़े रहे। और उसके बाद जिस तरह से सिंबुल ने अपने आप को दोबारा से उठाया है और आज इस जगह पे पहुंचा, तो मुझे लगा कि वो जो उनकी फैमिली का डिसीजन था, सिंबुल की जो सारी फैमिली है, सुमान है, एफसी है और आपका आरएली है और सिंबुल स्क्वाड है, उनका जो निर्णय था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जिस तरह से चीज़ें अभी डिस्क्लोज हुई, खासकर जब टीना और शालीन ने एक दूसरे को ही ब्लेम कर दिया और सारी प्लानिंग खोल के रख दी, तो उस पर मेरे को चार लाइनें मैंने लिखी थी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन उसकी आग में तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं, जिस दिन घूमेगा नियति चक्र फल कर्म का तुम भी पाओगे। और आज वही हुआ कि बिग बॉस के अंदर जो शुरुआत में सिंबुल की स्थिति थी, वीकेंड के बाहर पर सिंबुल हाथ जोड़ के रो के कह रही थी कि मुझे घर जाना है और मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने नहीं किया है, और बाद में फिर वो साबित हुआ, सलमान खान सर ने खुद बोला कि हाँ ये वैसी नहीं है जैसा उसके बारे में कहा गया। लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस होता गया, वही चीज़ें पूरी सामने आ गई, वही चीज़ टीना के ऊपर थी, वो भी रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अपनी ही करनी का फल है, आपकी रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयाँ। कुछ समय पहले ऐसा था कि आप कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि सिंबुल को घर के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टॉप 7 टॉप 8 में सिंबुल भी है। क्या कहना चाहोगे अब तक की उसकी जर्नी जब कैसी लग रही है आपको? नो डाउट सिंबुल की जर्नी बिल्कुल एक उतार चढ़ाव के साथ रही, शुरुआत में बहुत टूटी बिखरी समिटी अपने आप को, और आज जिस तरह से वो स्ट्रांग बन के खड़ी है और लगभग फिनाले की ओर कदम बढ़ा दिया है उसने, और इस वक्त वो बिग बॉस की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है जिसने 100 दिन पूरे किए हैं, तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। शुरुआत में हालांकि चूँकि कभी मैं बिग बॉस को मैंने फॉलो नहीं किया था और कभी मैं अपनी बेटी से दूर भी नहीं हुआ था, तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे को, मैं बहुत तकलीफ में था, लेकिन अब सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो गई हैं कि अब ये लग रहा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस वजह से हम दोनों ने ये निर्णय लिया था बिग बॉस में जाने का, वो लग रहा कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था, और सिंबुल जिस तरह से बहुत स्ट्रांग बनकर बाहर आ रही है, निकल रही है, दुनिया को पसंद आ रही है, वो मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट है आज की डेट। साथ ही अब तक की जर्नी में क्या लगता है, अभी भी कुछ लोग हैं अंदर जो सिंबुल को पसंद करते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे भी बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसका साथ देना चाहिए सिंबुल? देखिए सिंबुल का जो स्टार्टिंग का, देखो सिंबुल के साथ ये है कि वो रिश्तों की बहुत अहमियत रखती है, वो जिसके साथ जुड़ती दिल से जुड़ती है, और शुरुआत में वो शरीर टीना के साथ जुड़ी और बहुत दिल से जुड़ी, लेकिन उन्होंने क्या प्लानिंग की थी वो तो शायद उसको भी नहीं पता थी, जो ये सारा का सारा नैरेटिव क्रिएट हुआ उसके बाद जिस तरह से वो टूटी, उसके बाद जिस तरह से शिव ने, निमरित, साजिद सर, अब्दू और स्टैन ने उसको संभाला, और आज वो उनके साथ जुड़ गई है, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रह रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जो जर्नी है ना उसकी, वो बहुत सीखने के लिए है, और आज की डेट में सिंबुल एक टीनएजर्स के लिए तो इंस्पिरेशन बन गई है कि एक 19 साल की लड़की जो इतना कुछ झेल चुकी हो उसके बाद कैसे उन तमाम चीज़ों से बाहर आती है, तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना वो लोगों को यादगार रहने वाली है। साथ ही अंदर हम बार बार हमेशा से टीना से सुनते हैं कि तुम अभी भी नहीं दिख रही हो, तुम अभी भी अपना गेम नहीं खेल रही हो, आप कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए वो दिख रही है नहीं दिख रही है, वो तो इसी बात से साबित हो जाता है कि बिग बॉस 16 के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर नॉमिनेट कोई हुआ है 11 बार, तो वो सिंबुल हुई है, और हर बार वो बाहर निकल के आई है। अगर वो दिख नहीं रही होती
या उसके बारे में बातें नहीं हो रही होती तो शायद वो अभी तक बच भी नहीं पाती। वो ठीक है, वहाँ पे एक गेम प्लान होता है एक दूसरे का मॉरल डाउन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो वो अपना गेम प्लान कर रहे हैं, लेकिन सुनबुल बिल्कुल आराम से कछुए की चाल चल रही है। और मुझे मालूम है कि वो बढ़ती जाएगी और लोग यही सोचेंगे कि ये क्या हो गया, जब रिजल्ट आएगा बहुत अप्रत्याशित होगा, ये गारंटी है। क्या लगता है आपको अभी इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद, हाल ही में अभी हमने देखा कि एकता कपूर भी अंदर आई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बाहर ये भी कहा जा रहा है कि इसे ये शो मिलने वाला है, उसे वो शो मिलने वाला है, सुंबुल के लिए भी नागिन 6 की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सुंबुल के लिए बहुत से प्रोजेक्ट आए हुए हैं, नो डाउट पाइपलाइन में है, लेकिन उसको मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि बाकी जिस तरह के लोग बाकी की जो उसको हाइक लेने के लिए उन सारे नामों को उल्लेख कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ करूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब सुंबुल बाहर आए वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखे, फिर अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगे वो करे। हाँ, ये सच है कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं और जैसे वो बाहर आती है हम रिवील करेंगे उन सबको, अभी रिवील करना मेरे को नहीं लगता कि सही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि बिग बॉस के टॉप 3 में कौन आ सकता है, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ गेम लग रहा है अभी, कहीं ना कहीं एक जगह इतनी सारी लड़कियां हैं और एक जगह 3 लड़के हैं, क्या लगता है कौन टॉप 3 में आ सकता है? देखिए, टॉप 3 तो अभी मेरे को लग रहा है कि 2 हफ्ते पहले, अब चूँकि अभी 8 लोग हैं, 8 लोगों में टॉप 3 निकालना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग ही रह गए हैं अंदर। हाँ, टॉप 5 में बोल सकता हूँ कि टॉप 5 में मेरे को शिव है, स्टैन है, निमृत है, सुंबुल और प्रियंका, ये तो मुझे 101% टॉप 5 में लग रहे हैं। आपसे अर्चना के रिलेटेड जानना चाहेंगे, क्या लगता है, क्योंकि हमेशा से जब जब अर्चना की कहीं पे भी बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि उनके लव्स ये उनको कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहे हैं, नहीं अर्चना देखिए, नो डाउट बहुत अच्छी लड़की है और बहुत समझदार भी है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत स्ट्रांग रहता है वो, लेकिन उसकी जो जुबान है ना वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें खराब होती हैं। अगर वो इस चीज़ पे काम करती तो मेरे को लगता है कि अर्चना एक बहुत बड़ा धमाका करती इस बिग बॉस में, क्योंकि जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी थी, जिस तरह से उसने डे वन से सारे लोग को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हर चीज़ को ओवर कर दिया और अपनी ज़बान जो ख़राब कर दिया थोड़ी सी, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो देखा जाए तो अर्चना बहुत अच्छी लड़की। हाल ही में हमने सौंदर्या से भी बात की थी एक इंटरव्यू के दौरान, हमने पूछा कि क्या लगता है आपको, आप नहीं निकल, आपके कॉम्पिटिशन में और भी कौन से लोग थे जिन्हें निकलना चाहिए था, वो डिजर्विंग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं सुंबुल का भी उन्होंने नाम लिया था, अब क्या कहना चाहोगे कि लाइक कंटेस्टेंट्स की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? देखिए, बिग बॉस के बारे में जो नैरेटिव है ना लोगों का, मतलब जो के वहाँ पे अगर आप शाउट कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, फर्जी चीज़ें कर रहे हो, तो आप आगे तक जाओगे, तो एक ऐसा नैरेटिव है, लेकिन सुंबुल ने उस नैरेटिव को लगभग फेल कर दिया है। उसका साफ कहना है कि हम लड़े क्यों जब हम बातचीत से सारे मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं, ये बात उसने सिमी अग्रवाल जी के सामने भी कही थी कि हम लोग बातचीत करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और हर बात में चीखना या दूसरों के मुद्दे में घुसना ये सुंबुल नहीं करेगी। तो ठीक है, एज पर जो एक नरेटिव बना है बिग बॉस को लेकर उसके अकॉर्डिंग लोग कह रहे होंगे ये बात, लेकिन पब्लिक को ये बात बहुत पसंद आ रही है और उसके साथ जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर से मिल रही है, तो सौंदर्य की अपनी सोच हो सकती है और नो डाउट सौंदर्य भी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त आता है, एक एक करके सबको जाना ही होता है वहाँ से, तो उस लिहाज से वो गई है, तो उनकी सोच भी मैं गलत नहीं कहता, उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कही है बात। साथ ही आपने तो अब तक की बिग बॉस की पूरी जर्नी देख ही रहे हो सुंबुल का, क्या चाहते हो आप अगर बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी सुंबुल को किनके साथ अपनी दोस्ती रखनी चाहिए कायम, किनके साथ नहीं, क्योंकि सभी गेम तो आप लोगों ने बाहर से देखा ही है? नहीं देखिए, सुंबुल के साथ मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि सुंबुल रिश्तों की बहुत अहमियत करती है, और अभी जिस तरह से उसका शिव के साथ, स्टैन के साथ, अब्दू, साजिद सर और निमृत के साथ जो बॉन्ड बना है ना, वो गेम के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है, क्योंकि आज भी वो उनके साथ वैसे ही जुड़ी है जैसे वो शुरुआत में शादी के साथ जुड़ी थी, वो बहुत केयर करती है,
बिल्कुल अपना समझ के चलती है। और ये जो रिश्ता बना है ये गेम के लिए तो नहीं है, क्योंकि कभी आपने नहीं देखा होगा कि सुंबुल ने किसी को भी कहा हो कि भाई मुझे इस बार नॉमिनेशन से बचाना या मुझे डालना, कोई बात नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ रिश्तों की बात करते हैं और एक दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं तो वापस आके हक करते हैं, मतलब एक दूसरे शिकायतें नहीं करते, माहौल क्रिएट नहीं करते ना झगड़ा करते हैं आपस में, तो ये लंबा तक जाएगा। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।